हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे जीवी के पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 5 रुपए 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं जो स्टॉक में नीचे में बॉटम बना है वो 4 रुपए 40 पैसे पर बन चुका है। 4 रुपए 40 पैसे पर इस पॉइंट पर एक बॉटम बनाएगा और यहां से स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। जहां पर स्टॉक में देखें तो एक वन वे तेजी भी देखने को मिली जब स्टॉक ने हाई बनाया था 7 रुपए 65 पैसे पर ऊपरी लेवल पर देखें तो स्टॉक में फिर से एक करेक्शन देखने को मिल रहेगा। और अब इस स्टॉक में जो नीचे का सपोर्ट लेवल बन रहेगा वो अराउंड 5 रुपए 50 पैसे पर बन जाएगा। 5 रुपए 50 पैसे का रीजन ये आएगा क्योंकि स्टॉक जो आएगा वो नीचे भी इस पॉइंट के पास थोड़े समय के लिए कंसोलिडेट कर चुका है और यहां से स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर नीचे में स्टॉक 5 रुपए 50 पैसे के प्राइस को ब्रेकआउट करता है तो नीचे 4 रुपए 40 पैसे जो कि स्टॉक का पिछला लो है स्टॉक उस प्राइस को भी रिटेस्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो नीचे में 5 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 7 रुपए 50 पैसे अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग बना लेता है तो स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 10 रुपए के बनते हुए नजर आएंगे। पर अभी स्टॉक उस प्राइस से काफी नीचे आएगा और इस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर एक बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसका रीजन ये आएगा क्योंकि स्टॉक ने जब इस प्राइस को ब्रेक डाउन किया तो वहां पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जबकि अगर स्टॉक इस पॉइंट से एक रिवर्सल बनाता तो वहां पर एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आती।